वेलकम टू आरएमसी पटना। आरएमसी पटना में आपका स्वागत है। आज हम लोग एमएस वर्ड के पहले सेट के प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, मेक द फोर्थ पैराग्राफ ऑफ दिस डॉक्यूमेंट इटैलिक, यानी कि चौथा पैराग्राफ जो उसको इटैलिक करना। ऑल द टेक्स्ट ऑफ द पैराग्राफ मस्ट हैव ऑल द टेक्स्ट इटैलिक, यानी चौथे पैराग्राफ के सारे टेक्स्ट को इटैलिक करेंगे। तो सबसे पहले हम स्क्रॉल करके चौथे पैराग्राफ पे आ जाएंगे। जैसा कि आपको यहाँ पे पहला पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ, यहाँ तीसरा पैराग्राफ और ये चौथा पैराग्राफ है। चौथा पैराग्राफ पे हम लोग तीन बार माउस से तुरंत तुरंत क्लिक करेंगे तो ये हमारा चौथा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे होम मेनू के फॉन्ट ब्लॉक के अंदर यहाँ इटैलिक का ऑप्शन है, क्लिक कर देंगे तो इटैलिक हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता है, मेक सिक्स रो टेक्स्ट बोल्ड, सिक्स रो के टेक्स्ट को बोल्ड करना इन गिवेन टेबल। टेबल में होगा रो एंड कॉलम के इंटर कनेक्ट जो रहते हैं वहाँ पे, उसको कॉल टेबल बोलते हैं। उसमें सिक्स रो को हम लोगों को करना क्या है, अप्लाई करना है बोल्ड इफेक्ट को। चलिए टेबल में आ जाते हैं। टेबल में सिक्स रो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। सिक्स में देखिए यहाँ पे ऑलरेडी ये वाला अदर बोल्ड है, तो हम लोग इसको छोड़ के इसके आगे वाले को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ बोल्ड पर क्लिक कर लेंगे तो हमारा ये बोल्ड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेट दिस डॉक्यूमेंट्स पेज मार्जिन मॉडरेट। बाहर क्लिक कर लेते हैं, पेज मार्जिन को मॉडरेट करना है। तो हम लोग पहले पेज लेआउट मेनू में जाएंगे और यहाँ मार्जिन वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे और मॉडरेट वाले पे हम लोग यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पे करेंगे क्लिक, मेक द सेकेंड पैराग्राफ ऑफ दिस डॉक्यूमेंट अंडरलाइन। सेकेंड पैराग्राफ जो इस डॉक्यूमेंट का अंडरलाइन करना। ऑल द टेक्स्ट ऑफ द पैराग्राफ मस्ट हैव ऑल द टेक्स्ट अंडरलाइन, मतलब सेकेंड पैराग्राफ को अंडरलाइन करना। तो तीन बार सेकेंड पैराग्राफ पे क्लिक करूँगा, ये सिलेक्ट हो गया। तो इसके बाद होम मेनू पे क्लिक करना है, इसके बाद यहाँ पे फॉन्ट ब्लॉक के अंदर यहाँ पे अंडरलाइन वाले पे क्लिक करेंगे तो ये अंडरलाइन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर रहे हैं, अप्लाई लाइन स्पेसिंग 1.5 ऑन फर्स्ट पैराग्राफ। तो पहले लाइन स्पेसिंग लगाना फर्स्ट पैराग्राफ में, इसको तीन बार क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पैराग्राफ ब्लॉक के अंदर ये लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे, इसके बाद ये 1.5 को अप्लाई कर देंगे, फिर नेक्स्ट कर देंगे। ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। अब है सेट फॉन्ट साइज ऑफ फिफ्थ पैराग्राफ 23। फिफ्थ पैराग्राफ के फॉन्ट साइज को 23 करना। तो चलिए हम लोग फिफ्थ पैराग्राफ पे आ जाते हैं। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पैराग्राफ पे तीन बार क्लिक किया, सिलेक्ट हो गया। यहाँ फॉन्ट ब्लॉक में हम लोग क्लिक करेंगे, देखेंगे यहाँ पे 23 नहीं है, तो हम लोग मैन्युअली कीबोर्ड से 23 को टाइप करके इंटर प्रेस कर देंगे तो हमारा ये फॉन्ट साइज 23 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट करते हैं, सेट द फॉन्ट साइज टू 22 गिवन टेबल इंटायर्स कंटेंट। टोटल को करना है 20, तो हम लोग टेबल पे आ गए। अब टेबल को हम लोग को सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे टेबल के बाहर थोड़ा सा रखेंगे जैसे हैं तो एरो की बनेगा। इसके बाद माउस से ड्रैग करके इसको सिलेक्ट कर लेंगे और फॉन्ट साइज जो इसको 20 कर देंगे। तो चलिए मैंने इसको 20 कर दिया। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, मेक सेकेंड रो टेक्स्ट स्ट्राइक थ्रू। सेकेंड रो का जो टेक्स्ट है उसको स्ट्राइक थ्रू करना इन गिवन टेबल। गिवन टेबल यानी कि सेकेंड रो बोला, तो सेकेंड रो को हम लोग सिलेक्ट किए और इसको स्ट्राइक थ्रू फॉन्ट ब्लॉक के अंदर इस पर क्लिक किए, स्ट्राइक थ्रू यहाँ से हो गया, ठीक है। अप्लाई ऑल दिस इफेक्ट टू कॉलम बोला था, अगर यहीं स्ट्राइक थ्रू अगर डबल पूछता तो हम लोग यहाँ फॉन्ट ब्लॉक के अंदर ये एक्सपेंड करते इसके फंक्शन को और यहाँ पर डबल स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन से हम लोग इसको कर सकते थे, ठीक है। यहाँ पे सिंगल पूछा था इसलिए इसको हम लोग यहीं से कर लिए। फिर नेक्स्ट क्लिक करेंगे, अप्लाई स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट टू द थर्ड पैराग्राफ इन डॉक्यूमेंट। थर्ड पैराग्राफ में करना है, ऑल द टेक्स्ट पैराग्राफ मस्ट हैव द टेक्स्ट स्ट्राइक थ्रू। तो हम लोग चल आते हैं थर्ड पैराग्राफ पे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पैराग्राफ को सिलेक्ट किए और इसको करना क्या है, हम लोगों को अप्लाई स्ट्राइक थ्रू, स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक कर दिया तो ये हो गया। फिर नेक्स्ट करते हैं, अप्लाई अंडरलाइन इफेक्ट एक्सेल, यानी कि इस पूरे पैसेज के अंदर, ये पूरा पेज के अंदर जहाँ जहाँ एक्सेल वर्ड टाइप किया है उसको हम लोगों को करना है अंडरलाइन। तो इस तरह से तो हम मैन्युअली खोजेंगे तो काफ़ी समय लगेगा, तो हम लोगों के पास होम मेनू के अंदर एडिटिंग ब्लॉक में फाइंड का ऑप्शन, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे एज इट इज एक्सेल हम लोग टाइप करेंगे, EXCEL। जैसे ही टाइप किए हम लोग तो यहाँ पे जो फंक्शन है इसमें फाइंड इन के नीचे ड्रॉप डाउन मेनू बना हुआ, इसको क्लिक करके मेन डॉक्यूमेंट जैसे ही करेंगे तो हमारा एक्सेल वर्ड पूरे पेज के अंदर जहाँ जाए वो सिलेक्ट हो जाएगा। और उसमें इफेक्ट अंडरलाइन बोला था, हम लोग यहाँ सिंपली अंडरलाइन लगा दिया, तो इसको क्लोज कर देंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे, चेंज द सेकेंड पैराग्राफ्स लेटर केस इनटू
अपर केस सेकेंड पैराग्राफ को यानी कि अपर केस बोला है तो सारे को कैपिटल करना। इससे पहले हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे और फॉन्ट ब्लॉक के अंदर यहाँ पे एक बड़ा छोटा ए दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, इसको अपर केस पे क्लिक कर देंगे। जैसे अपर केस करेंगे तो सारा हमारा यहाँ पे कैपिटल हो जाएगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट आते हैं, सेट द बैकग्राउंड कलर ऑफ फोर्थ पैराग्राफ ग्रीन। फोर्थ पैराग्राफ बोल रहा है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ पैराग्राफ पे तीन बार क्लिक किया, सिलेक्ट किया। अब यहाँ बैकग्राउंड कलर बोला, तो एमएस वर्ड में शेडिंग कलर, बैकग्राउंड कलर दोनों सेम ही होता है जो कि पैराग्राफ ब्लॉक के अंदर है। यहाँ पे आपको एक शेडिंग का दिख रहा होगा ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे कलर बोला है ग्रीन, तो हम लोग माउस लेके जाके रखेंगे उस पर ऑटोमेटिक दिखाएगा हम लोग का ग्रीन है। चलिए ठीक है, हम लोग इसको सिलेक्ट किए तो हमारा पैराग्राफ क्या हो गया, ग्रीन हो गया। फिर नेक्स्ट पे क्लिक किए, अब बोला टाइप चर्चिल इन हेडर ऑफ द डॉक्यूमेंट। हेडर मतलब होता है डॉक्यूमेंट की जब प्रिंट करेंगे उसके ऊपर हम लोगों को चर्चिल देखना चाहिए। उसके बाद इसमें और भी कमांड बोले हुए हैं, बोल्ड करने के लिए, अंडरलाइन, सेट फॉन्ट साइज 24 और अलाइन सेंटर। तो हम लोग इंसर्ट मेनू में जाएंगे, इंसर्ट मेनू में हेडर का ऑप्शन है, इसमें कुछ डिजाइन नहीं बोला तो सिंपली ब्लैंक वाले हम लोग फर्स्ट ले लेते हैं और इसमें हम लोग टाइप कर देते हैं ये वाला वर्ड चर्चिल, तो CHURCHILL टाइप कर दिया मैंने इसे। अब इसके बाद ये सारे फंक्शन इसमें अप्लाई करने हैं, तो हम लोग चर्चिल को सिलेक्ट किए, होम मेनू पे क्लिक करेंगे, बोल्ड बोला गया तो बोल्ड कर लेंगे, अंडरलाइन बोला गया तो अंडरलाइन कर लेंगे, सेंड फॉन्ट साइज 24 बोला तो हम लोग उसको 24 कर लेंगे, और सेंटर अलाइन बोला है तो पैराग्राफ में यहाँ अलाइनमेंट सेंटर कर लेंगे। फिर बाहर क्लिक कर लेंगे हम लोग, फिर इसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। चेंज द फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड पैराग्राफ इन टू बुलेट लिस्ट, तो पहला दूसरा और तीसरे पैराग्राफ को बुलेट करना है, तो हम लोग तीनों को क्या करते हैं सिलेक्ट कर लेते हैं, माउस की सहायता से भी सिलेक्ट कर लेते हैं और दूसरे प्रोसेस से भी हम लोग चाहे तो सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा प्रोसेस पहले पैराग्राफ को तीन बार क्लिक किया सिलेक्ट हो गया, फिर अब आ जाएंगे हम लोग तीसरे पैराग्राफ में, शिफ्ट दबा के कहीं भी प्रेस करेंगे तो वो सारा सिलेक्ट हो जाएगा। तो बुलेट बोला तो यहाँ पर सिंपली हम लोग कोई भी बुलेट स्टाइल लगा देंगे, ये जो आपको दिख रहा है ये बुलेट स्टाइल का टाइप है। फिर नेक्स्ट करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट में लास्ट क्वेश्चन वो में है कि टाइप चर्चिल ए शॉर्ट बायोग्राफी इन द फुटर, यानी कि चर्चिल में जो वो है चर्चिल ए शॉर्ट बायोग्राफी को फुटर में लिखना है, तो हम उसके लिए बाहर पहले क्लिक कर लेते हैं, इंसर्ट मेनू में जाएंगे, फुटर वाले पे क्लिक करेंगे, सिंपली यहाँ पे कर लेंगे। तो फिर यहाँ पे हम लोगों को लिख देना है CHURCHILL ASHORT GRAPHY, इसको मैंने लिख लिया। लिखने के बाद हम लोग यहाँ सिंपली बाहर क्लिक कर देंगे, फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे हमारा ये क्वेश्चन जो है देख लेते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे क्लिक करके ये ग्रीन हो गया, तो यानी कि ये क्वेश्चन हमारा शॉर्ट सॉल्व हो चुका है। तो इस तरह से हम लोगों को बारी बारी से क्वेश्चन पढ़ने हैं और उसको समझने हैं, उसके बाद उसको अप्लाई कर देंगे। ठीक है, इस तरह से हमारा जितना भी क्वेश्चन था टोटल 15 क्वेश्चन था सारा सॉल्व हो चुका है। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो आपको तो आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट उस क्वेश्चन नंबर पे जा सकते हैं। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि सेट फॉन्ट साइज फिफ्थ पैराग्राफ 23 था, तो फिफ्थ पैराग्राफ का फॉन्ट साइज 23 हुआ है कि नहीं, यहाँ पे आपको जांच करना है। इस पैराग्राफ को देखिए 11 लिख रहा है यहाँ पे फॉन्ट, तो आप इस पर डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे माउस से, तो ये आपको डिस्प्ले हो जाएगा कि मेरा ये क्वेश्चन का अप्लाई हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये मैंने जो बताया ये सारे चीज़ अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये सारे चीज़ को समझने के लिए आपको प्रत्येक मेनू के ब्लॉक के अंदर के फंक्शन को आपको जानना ज़रूरी है, अगर आप उसको जानेंगे तो आप अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपका सारा डाउट क्लियर हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।